युगो युगो से चल रहा है मैं, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 28 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार, वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि दोपहर 3:07 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 11:52 से लेकर 12:45 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 3:37 से लेकर 5:16 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, मैं जो आपको ये डेली राशि फल बताता हूँ, ये आपके चंद्र गोचर पर आधारित संकेत मात्र है। आप इनके हिसाब से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु उसमें देश काल और परिस्थिति की प्लानिंग को भी साथ में जोड़कर ही आप अपने दिनचर्या की जो दिशा है उसको निर्धारित करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज आपकी आय से ज्यादा आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। आज अनावश्यक खर्चों की वजह से आपकी जेब ढीली हो सकती है, जिससे आज आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। हो सकता है जिस काम के लिए वे जाएं वो बने ही ना, चाहे वो जगह बंद हो या मीटिंग कैंसिल हो जाए, या आपके जो अधिकारी हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हैं, या जो भी क्लाइंट हैं वो देर से आए, जिस वजह से आज आपका मनोबल भी कम होगा। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। पर आज आपका क्रोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको उस पर काबू रखने के लिए प्रातः काल उठकर योगाभ्यास करना चाहिए और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। आज आपके मन में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचार भी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज ईश्वर की प्रार्थना और जप करने से आपको राहत महसूस होगी। आज विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा नहीं है, वे आज डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। आज आपको प्रातः काल उठकर व्यायाम अवश्य करना चाहिए, इससे आपके मन में जो आज मैं नेगेटिव थॉट्स की बात कर रहा हूँ वो कम आएंगे, जिससे आज आपका जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो आपके पॉजिटिव विचार हैं, उनमें वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं
गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका अपने लाइफ पार्टनर से झगड़ा होता रहता है, जिस कारण आपका वैवाहिक जीवन कलेश से परिपूर्ण है, आपके घर में शांति नहीं है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपके गृहस्थ जीवन में शांति का माहौल पुनः बन जाएगा। आज आपको लाल रंग के सिंदूर की डिब्बी में 11 गोमती के चक्रों को रखकर अपने घर में कहीं रख लेना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके अपने लाइफ पार्टनर से सभी मतभेद दूर हो जाएंगे और पुनः आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरु जी से ये पूछने आई थी कि गुरु जी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारी वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।